टूटा हुआ इंसान कभी कमजोर नहीं होता है। टूटा हुआ इंसान जब कम बैक करता है कि टूटा हुआ इंसान जब कम बैक करता है तो बहुत ही खतरनाक तरीके से करता है, वो पहले से और ज्यादा मजबूत होकर वापस आता है। और ये बात ना हमारे हार्दिक पांड्या ने साबित कर दी है। बहुत खुशी हुई उसको देख के, बहुत ज्यादा खुशी हुई। उसने ये साबित कर दिया कि टूटा हुआ इंसान कभी कमजोर नहीं होता है। बस इसके बारे में आगे बात करेंगे बाद में, जो पहले टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हेलो हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SSRD ब्लॉगर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं क्या ही बोलूं, मैं बहुत 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 खुश हूँ, क्योंकि डबल खुशी है। एक तो कल इंडिया जीत गई, ठीक है, साउथ अफ्रीका के साथ उसका मैच हो रहा था, वो जीत गई। एक तो ये खुशी, मतलब बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है, बड़ी क्या, बहुत बड़ी खुशी है, मैं कैसे बोलूं। और एक और खुशी की बात है कि मैं बुआ बन गई तो जैसे मेरा चैनल है तो मुझे हर चीज शेयर करना अच्छा लगता है। मैं जो चीज मैं बता सकती हूँ, आपको बोल सकती हूँ, जो जो आपको शेयर कर सकती हूँ वही तो शेयर करूंगी। और मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आएगा कि मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। डबल डबल खुशियां आई हैं। तो मुझे भाभी को लड़की हुई है, तो मैं बुआ बन गई, और इंडिया जीत गई उसकी भी खुशी हो रही है। तो इंडिया जीत गई उसके बारे में थोड़ी सी आज मैं बात करूंगी, क्योंकि कल का मैच मैंने भी थोड़ा बहुत देखा। और इससे पहले क्या बोलूं मैं, बहुत खुशी हो रही है। हाँ, कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल। हाँ, तो करते हैं बात थोड़ी सी मैच के बारे में करते हैं। तो जो आखिरी गेंद थी ना, वैसे तो इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराया है, और बाकी मतलब पूरा श्रेय जाता है सूर्य कुमार यादव को। उसने जिस तरीके से कैच पकड़ी ना, बॉल को पहले बाउंड्री के पार जाके, फिर बाउंड्री में उछाल के, फिर उसको कैच किया, वो देख के ना रोए खड़े हो रहे थे। मतलब बिल्कुल ऐसे किसी का मुंह खुल रहा था कि कोई मुंह खोल के बैठा था। मतलब वहां उस समय मतलब कैसा माहौल था मैं आपको बताने से थी, क्योंकि उस समय मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि हुआ क्या, जिस मोबाइल से मैं वीडियो बनाती हूँ उसी मोबाइल से मैं मैच देख रही थी, तो मैं कैसे बनाती, कुछ भी नहीं बना पाई। लेकिन हाँ, मजा आ गया देख के। वैसे मैं क्रिकेट वगैरह ज्यादा देखती नहीं हूँ, लेकिन हाँ मजा आई देख के। आखिरी की जो मैच थी ना, अच्छा लगा देख के। मतलब जिस तरीके से मैंने कैच किया ना, वो चीज बहुत अच्छी। आप लोग, छोटी सी क्लिप मैंने ली है, आप लोग जरूर देखिए, इसे देख के आइए, फिर मैं बात करती हूँ आपसे। देख लिया आप लोगों ने, तो देखा आप लोगों ने, मतलब वो जो ये जो कैच था ना, ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब अजीब सी फीलिंग आ रही थी इसको देख के। मतलब क्या बोले, मतलब इन लोगों के चेहरे के जो एक्सप्रेशन था, किसी का मुंह खुला था किसी का कुछ क्या ही बोलूं, काश मैं उसमें कुछ भी रिकॉर्ड कर पाती, लेकिन मैं नहीं कर पाई। और हाँ, तो जिस तरीके से मैच जीत गई, बस उसकी खुशी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है। साउथ अफ्रीका के साथ जो इसका मैच था ना, इंडिया जीत गई, बस उसकी बहुत 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 खुशी है, क्योंकि ट्रॉफी हमारे इंडिया में आई। जैसे शिवानी कुमारी खेल रही है बिग बॉस में, वो भी ट्रॉफी लेके आ जाए हमारे उत्तर प्रदेश में, तो हमको और खुशी होगी। मैच के बाद विराट कोहली ने जो संन्यास लेने का निर्णय किया है, उसके बारे में आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है। ठीक है, क्रिकेट भी मैं बहुत बहुत कम देखती हूँ, ज्यादा नहीं देखती हूँ, बहुत कम देखती हूँ, क्योंकि टीवी घर में है नहीं, मोबाइल में उतना समय होता नहीं मेरे पास कि मैं जाके क्रिकेट इसको खोल के लगा के देख पाऊँ, क्योंकि मेरा खुद का भी काम रहता है, इंस्टा के वीडियो या फिर यूट्यूब का काम, ज्यादा देर से इस पे आंख लगाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, तो मैं ज्यादा नहीं देख पाती। लेकिन हाँ, ये लास्ट वाला मैच मजा आ गया देख के, सच में बहुत बहुत अच्छा लगा। और इस मैच को देखने के बाद इरफान पठान ने क्या कहा, वो भी आप लोग सुनिए, वो कितना ज्यादा भावुक हो गए। और वो तो सारा श्रेय जो है सूर्य कुमार यादव को हमारे दे रहे हैं, जिस तरीके से उसने कैच पकड़ी। चलिए थोड़ी सी ये छोटी सी क्लिप देख के आइए, फिर मैं आगे की बात अपनी शुरू करती हूँ। ठीक है, सूर्य कुमार यादव उसका कैच तो मैं पूरी जिंदगी पर नहीं बोलूंगा, मेरी अगर आखिरी सांस भी चल रही होगी ना। तो देखा आप लोगों ने इरफान पठान ने क्या कहा, मतलब कितने ज्यादा वो भावुक हो गए इस चीज को लेके, इंडिया की जीत को लेके, और सूर्य कुमार यादव ने जो कैच पकड़ा है उसके बारे में। अब चलिए कर लेते हैं थोड़ी सी बात विराट कोहली के बारे में, जो उन्होंने संन्यास ले लिया। इससे पहले रोहित शर्मा ने भी संन्यास ले लिया है, जो हमारे कप्तान भी रह चुके हैं। और इससे पहले 2007 में जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसमें ट्रॉफी हमारे भारत ने जीती थी, तो ये दूसरी ट्रॉफी हमारे भारत में ही आई है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप सभी भारतवासियों को मेरी तरफ से, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से, क्योंकि पूरी फैमिली तरफ इसमें आ नहीं सकती है, लेकिन सबकी तरफ से मैं ही बोले दे रही हूँ, सबकी तरफ से आपको बहुत 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 बधाई पूरी इंडिया को, क्योंकि भैया मैं भी इंडिया में रहती हूँ, तो मैं इंडिया को बधाई देना
तो बनता ही है, कॉन्ग्रेचुलेशन अपनी भाषा में बोल देते हैं, तो सबको बहुत 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 बधाई है। और हार्दिक पांड्या के बारे में नहीं, मैं विराट कोहली के बारे में बात करती, मैं ऐसे ही हूँ, मैं भूल जाती हूँ बातें करते करते। तो विराट कोहली ने जिस तरीके से संन्यास लिया है, एक तरीके से अच्छे ही किया, क्योंकि अगर वो संन्यास लेंगे तभी आगे और लोगों को चांस मिल पाएगा। हमारे और भी बच्चे हैं जो क्रिकेट में आना चाहते हैं, और भी इस तरीके से जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, और विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी जैसे और भी जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके अंदर ये टैलेंट भरा होगा, वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उनको भी चांस मिलेगा। अगर हम अपना पद छोड़ेंगे तभी तो हमारे बाद कोई आ पाएगा। तो विराट कोहली ने एक तरीके से अच्छा ही किया, मुझे बहुत अच्छा लगा फिलहाल। और इसके बाद हाँ, कर लेते हैं थोड़ी सी बात हार्दिक पांड्या की। जिस तरीके से क्या ही बोलूं इन सब चीजों के बारे में अच्छा तो नहीं लगता बोलना, लेकिन बोल देती हूँ क्योंकि मन में आ रही थोड़ी सी बात। जिस तरीके से निकिता उनको छोड़ के गई, उनकी वाइफ, उनका बच्चा भी है, मतलब ये सोचो कि थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि उनके बच्चे पे क्या ही असर होगा, या उनके बच्चे की जो फीलिंग होगी ना, एक माँ बाप साथ में रहते हैं तो अलग ही बच्चे की परवरिश, या बोले कि बच्चे की जो मानसिकता होती है ना, वो अलग ही अलग टाइप की होती है। और जब दो में से कोई मतलब अलग हो जाते हैं, दोनों लोग, माँ अलग जा रही है, माँ अलग रह रही है, पिता अलग रह रहा है, तो बच्चे की भी कंडीशन थोड़ी सी आप समझ सकते हैं। मैं क्या ही बोलूं इसके बारे में, आप लोग खुद ही समझदार हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग कुछ जानते नहीं है। तो बस बच्चों का मतलब लगता है कि थोड़ा सा बच्चे बिखर जाते हैं, जब माँ बाप बिगड़ते हैं ना तो बच्चे तो पहले ही बिगड़ जाते हैं। उनका तो बच्चा बहुत छोटा है अभी, इतना उसको मतलब इतनी तो उसको समझ भी नहीं है कि वो उसके साथ क्या हो रहा होगा। हालांकि हार्दिक पांड्या के जो मैंने थोड़े बहुत वीडियो देखे हैं, वो अपने बेटे को बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन बच्चों की जो मानसिकता है ना, थोड़ी बहुत बिखर ही जाती है। अब वो बच्चा कब समझेगा इन सब चीजों को, से कब निकल के आ पाएगा। हालांकि विराट हार्दिक पांड्या की भी स्थिति ऐसी होगी ना, ऊपर से भले ही वो दिखाते हो बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत, लेकिन अंदर से उनको तकलीफ होती होगी, क्योंकि मैं हम लोग ना इन सब चीजों से गुजर चुके हैं, तो एहसास होता है, मतलब ऐसे होते ना कि मेरे साथ पता नहीं मेरी क्या कमजोरी क्या है, मैं ऐसे बता देती हूँ आपको। जैसे मैंने जो चीजें देखी ना, वो उन चीजों को मैं भावनात्मक तरीके से जुड़ जाती हूँ, फिर मेरा मन करने लगता है कि उस चीज के बारे में मैं बोलूं, किसी से बात करूं। और जब कोई नहीं मिलता है तो मैं क्या करती हूँ, बस अपना मोबाइल खोल के इसका कैमरा ऑन करके आपसे जो भी मेरे मन में बात होती है मैं बोल देती हूँ। तो इससे होता है कि जो हमारे मन में चल रही होती है ना, उथल पुथल होती रहती, चलती रहती ना, उससे थोड़ी सी निजात मिल जाती है हमको, मन हल्का हो जाता है। अगर वो चीजें हम अंदर रखे रहते हैं ना, तो फिर वो चीजें हमें अंदर खाती रहती हैं, काटती रहती है, धीरे धीरे हमको खोखला करती रहती है। तो ऐसे ही आप जो भी मन में आया करें बोल दिया करें, लेकिन वही चीजें ना, तो मेरे मन में भी ऐसे ही रहता है कि बहुत सारी चीजें चलती रहती है, मैं नहीं बोल पाती हूँ। लेकिन हाँ, इंडिया जीत गई इसकी बहुत 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 खुशी है, और आप लोगों को ढेर सारी बधाई हो। बस छोटी सी बातें, मतलब थोड़ी सी बातें थी जो मन में आ रही थी, मैंने आप लोगों से बोल दी, और मेरी बातें अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। और मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं, चलिए मिलते हैं फटाफट नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में, तक लिए ओके बाय बाय। क्योंकि डेविड मिलर इतना खतरनाक बल्लेबाज है कि वो